नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पिंगुर। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि मैं एक नई सीरीज़ लेके आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये सीरीज़ होने वाली है TCS यानी थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस और TOC यानी थ्योरी ऑफ कंपटीशन के बारे में। ओके, तो इसमें हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट हम डीपली समझने वाले हैं। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि ये दो सब्जेक्ट से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, राइट? ये दोनों लगभग सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है? TCS जो है ना, TCS वो आपको मिलता है BSc कंप्यूटर साइंस के 5th सेम में, राइट? मतलब कि TCS जो है वो आपका BCS का सब्जेक्ट है, राइट? BSc कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। और ये TOC है ना, वो आपके इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों में। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है बट इनके नाम अलग अलग है, राइट? इसमें जो कंटेंट है वो सेम ही। तो गाइस, बात करते हैं कि TCS क्या है। देखो, यहाँ से आगे ना मैं हर बार TCS का यूज़ करने वाला हूँ, टॉक में नहीं लेने वाला, क्योंकि टॉक ना मेरे मतलब कि रेगुलर लैंग्वेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो मेरा सब्जेक्ट था मेरे लास्ट ईयर में, तो मैं TCS का जिक्र जो है वो हर बार करूँगा। ओके, तो समझ लेना यार, TCS यानी टॉक है। ओके, तो TCS क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपका कंप्यूटर जो है ना वो बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट करता है, राइट? बट वो टास्क पीछे, मतलब कंप्यूटर के पीछे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, राइट? मैकेनिकली कैसे वो टास्क एग्जीक्यूट होते हैं वो हम देखने वाले TCS में। ओके, तो बेसिकली ये थ्योरी है, इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखने वाले। ओके, तो जो बच्चे यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं ना कि चलो भाई आज नया वीडियो है तो कोडिंग सीख लेते हैं, नहीं, इस वीडियो में हम कोडिंग नहीं सीखने वाले। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस सीरीज़ में हम क्या देखेंगे कि कैसे चीज़ें मैकेनिकली एग्जीक्यूट होती है, राइट? कैसे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो चीज़ों को मैकेनिकली एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो मुझे पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि देखो, हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर की दुनिया में, मतलब कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में प्रैक्टिकल ज़्यादा चलते हैं, राइट? प्रैक्टिकल का बोलबाला है, राइट? हम कहते हैं कि जावो सीख लो, राइट? प्रोग्रामिंग कर लो, कोडिंग कर लो, PHP सीख लो, राइट? सी सीख लो, राइट? ये सब हम कहते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट कहाँ से आ गए? बट एक बात ध्यान में रखो गाइस कि जो भी प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, उसके पीछे थ्योरी होती है, राइट? उसके पीछे कुछ कंसेप्ट होते हैं, उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? उसके पीछे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं वही हम देखने वाले TCS में। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास है कंपाइलर, राइट? सपोज कर लेते हैं जावा कंपाइलर, राइट? ये क्या करता है, आपसे कुछ जावा का कोड लेता है, राइट? उसके ऊपर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो मतलब कि एग्जीक्यूट करता है और आपको बताता है कि जो जावा का कोड है वो वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो वो उसे एग्जीक्यूट करा देगा, ओके? अगर नहीं है तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट? तो कंपाइलर भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, राइट? जिसे हम मशीन भी कह सकते हैं, राइट? ये कुछ टास्क एग्जीक्यूट करते हैं आपके लिए, बट इसके पीछे भी कुछ काम चल रहे होते हैं। तो मतलब कि ये कंपाइलर जो है वो भी कुछ मैकेनिकली एग्जीक्यूट करता रहता है, मैकेनिकली कुछ कंप्यूट करता रहता है, राइट? तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करेंगे। ओके, और इनके स्टडीज़ को हम कहते हैं TCS या फिर टॉक। ओके, अब चीज़ें क्लियर हो रही है कि टॉक क्या है। बेसिकली जो भी चीज़ें मैकेनिकली एग्जीक्यूट होती है बैक साइड, राइट? मतलब कि आपके सामने तो हो रहा है कि ये कंपाइलर आपसे कुछ कोड ले रहा है और वो एग्जीक्यूट करा दे रहा है, राइट? बट उससे पीछे क्या हो रहा है? ओके, तो वो अगर आपको समझना है तो आपको TCS या फिर टॉक समझना पड़ेगा, राइट? ये एक फंडामेंटल कोर्स है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर ये कोर्स आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छे लेवल पर चली जाएगी। ओके, तो गाइस, अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज TCS, TCS क्या है और हमें क्यों TCS को सीखना चाहिए, राइट? क्यों हमें TCS की पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तब हम देखते हैं कि TCS के बेसिक 3 पिलर्स कौन से। तो पहले मैं इसको रफ कर लूँ। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमारे पास ना TCS के 3 पिलर्स है। मतलब कि ये पिलर्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो मतलब कि आपका TCS या फिर टॉक जो है वो पूरा का पूरा हो चुका है, आप बहुत अच्छे हो गए हो इसमें। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 3 पिलर्स है। ओके, पहला है लैंग्वेज।
अब ये क्या है वो हम आगे देखेंगे, ओके। बट एक बात क्लियर कर दूं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ओके। तो पहला तो है लैंग्वेज, उसके बाद है ऑटोमेटा, या फिर हम उसे मशीन भी कह सकते हैं, राइट। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि हम एक मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करेंगे, राइट, ये सब चीज़ें समझने के लिए, तो वो है आपका ऑटोमेटा। और थर्ड है आपका ग्रामर, ओके। तो ग्रामर क्या है, देखो अभी आपको ग्रामर की ज़रूरत है नहीं, तो आगे मैं आपको इसके बारे में डीपली समझा दूंगा, ओके। बट एक बात समझ लो कि इंग्लिश में जो ग्रामर होता है ना वो अलग है इससे, ओके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में हम डीपली समझने वाले हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो अगेन मैं इसको रफ कर लेता हूँ, तो गाइस बात करते हैं लैंग्वेज क्या है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे, ओके। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता है, वो होता है लेटर्स, राइट। लेटर्स होते हैं आपके पास, उनकी मदद से आप लैंग्वेज को बना सकते हो, यानी कि ए बी सी वगैरह, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास है सिंबल्स, ओके। यहाँ पे हमारे पास है सिंबल्स, मतलब कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके टॉक के लैंग्वेज का, मतलब कि TCS के लैंग्वेज का, राइट। तो ये कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, राइट, ये सब आपके सिंबल्स हैं। उसके बाद 1 2 3, राइट, अप टू सो ऑन, ये आपके सिंबल्स हैं, राइट। इनकी मदद से आप लैंग्वेज को बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अगली टर्म है, वो है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ओके। तो अल्फाबेट क्या है, देखो कलेक्शन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड एज अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड एज अल्फाबेट, और हम इसे डिनोट करते हैं सिग्मा की मदद से, क्लियर। तो देखो ए बी ये आपका एक अल्फाबेट है, राइट, मतलब कि अगर आपको ये दिया जाए ना, ए और बी दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप ए और बी की मदद से ही सिर्फ लैंग्वेज बना सकते हो, मतलब कि इन दोनों को छोड़ के आप किसी भी दूसरे सिंबल का यूज नहीं कर सकते, राइट, ओके। तो ये है अल्फाबेट, यानी कि कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, ओके। समझ रहे हो ना कि कलेक्शन ऑफ सिंबल्स क्या है, इन दोनों की मदद से ही सिर्फ आप लैंग्वेज बना सकते हो, क्लियर। इसके अलावा आप कोई भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरी टर्म है, वो है स्ट्रिंग, ओके। तो इसे हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, मतलब कि एग्जांपल देखे तो ए ए आपकी एक स्ट्रिंग है, ए बी आपकी एक स्ट्रिंग है, ए बी बी आपकी एक स्ट्रिंग है, राइट, ए ए बी 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 ये भी आपकी एक स्ट्रिंग है, राइट, अप टू सो ऑन। अब एक बात समझ लो, ए बी अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ओके, और बी बी अपने आप में स्ट्रिंग है, ओके। और अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये बन जाएगी आपकी लैंग्वेज, ओके। चीजें क्लियर हो रही है कि सिंबल क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज, राइट। उसके बाद अल्फाबेट क्या है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, मतलब कि इनकी मदद से आप स्ट्रिंग बना सकते हो, और काफी सारी स्ट्रिंग्स मिलके बनती है आपकी लैंग्वेज, ओके। तो यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ना सिग्मा हर बार गिवन होगा, राइट, अल्फाबेट आपको हर बार गिवन होगा, ओके। तो अगर मुझे कहा जाए कि स्ट्रिंग्स फाइंड करो जिसकी लेंथ 2 हो, लेंथ इज 2, मतलब कि स्ट्रिंग लेंथ इज 2, तो अगर मुझे कहा जाए कि ऐसे स्ट्रिंग्स बनाओ या फिर ऐसे स्ट्रिंग्स फाइंड करो जिसमें लेंथ 2 हो, राइट, ऑब्वियसली उनमें हम सिर्फ ए और बी का यूज़ करने वाले हैं, कोई भी और सिंबल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ओके। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए ए बन जाएगी, ए बी बन जाएगी, इसमें भी दो सिंबल से, राइट, उसके बाद बी ए बन जाएगी और बी बी बन जाएगी, राइट। ये चारों स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ जो है वो 2 है, राइट। और अगर मुझे कहा जाए कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, तो क्या होगा, ए ए ए ए बी ए, राइट,
राइट, बी ए ए, ओके। तो यहाँ पे मैं आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा, ओके। तो देखो ये जो स्ट्रिंग्स है ना, अगर आप इनको मिला दो तो ये बन जाएगी आपकी लैंग्वेज। मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक लैंग्वेज बनाओ जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ सिर्फ टू, राइट। अब चीज़ें क्लियर हो रही है, यहाँ पे सिग्मा क्या है, ए बी, राइट। उसके बाद एक लैंग्वेज बनाओ जिसमें ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिसकी लेंथ टू होगी, राइट। और उसके बाद आपका एल बन जाएगा ए ए बी 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 ए, राइट, ओके। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, राइट। यहाँ पे सिंबल से आपके पास मतलब कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब कि कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, मतलब कि सपोज इसकी बात करें तो इन दोनों की मदद से ही आप स्ट्रिंग बना सकते हो, राइट। अगर आपको सिग्मा गिवन हो तो आप इन दोनों की मदद से कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो, बट इनके अलावा आप कोई भी लेटर का यूज़, कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, मतलब कि ए ए ए बी बी बी, ये है आपकी स्ट्रिंग, ओके। तो उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग्स को अगर आप मिला दो तो वो बन जाएगी आपकी लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे दो टाइप्स है लैंग्वेज के, पहला तो है फाइनाइट, मतलब कि जिसमें स्ट्रिंग जो है वो काउंटेबल है, राइट, और दूसरा है इनफाइनाइट। तो उसकी बात करते हैं, देखो तो अगर मैं कहूँ कि ऐसी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करो जिसकी लेंथ जो है वो मोर देन वन हो, राइट। स्ट्रिंग्स विच हैव लेंथ मोर देन वन, मोर देन वन, तो इसकी लैंग्वेज क्या बन जाएगी, एल वन। तो मैं यहाँ पे एल वन कर देता हूँ क्योंकि एल मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो एल। उसके बाद ए बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि ए भी चल सकता है, मैंने आपको बताया था कि ए भी इट्सेल्फ एक स्ट्रिंग है, ओके। तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए ए बी बी ए बी बी ए, उसके बाद अगेन ए ए ए, राइट, और ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो ये बन जाएगी आपकी इनफाइनाइट लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखे, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ओके। तो फाइनाइट लैंग्वेज क्या है, जिसमें स्ट्रिंग्स आर काउंटेबल, और इनफाइनाइट लैंग्वेज किसे हम कह सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रिंग्स को काउंट नहीं कर सकते, राइट, वो इनफाइनाइट है, वो चलती रहेंगी, ओके। तो गाइस आज हमने डीपली बात कर ली लैंग्वेज के बारे में, तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमेटा के बारे में, ओके। तो उस वीडियो को भी बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके। तो अब आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी कि व्हाट इज लैंग्वेज, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ओके। तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक कर दो, नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि इसके बाद हर रोज़ एक वीडियो TCS की ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।